सारे देश के कोने कोने से जितने भी मजदूर हैं सबको इकट्ठा एकत्रित किया गया था सरकार को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हम कितने मात्रा में हैं। वहां पे जो जल शक्ति मंत्री हमारे राजेंद्र सिंह जी शेखावत आए थे, उन्होंने जो संदेश दिया है कि संगठन के साथ हम हैं और संगठन हमारे साथ है, तो संगठन का जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रगतिशील काम चल रहा है, उस पे सरकार हमारे साथ है, केंद्र सरकार हमारे साथ है, हमारे काम में कोई भी रुकावट नहीं है। ये सीधा संदेश उन्होंने मजदूरों को वहां पे दिया। लोग बोल रहे हैं हर साल डाटा डाटा डाटा। सबका एक QR कार्ड की व्यवस्था किया गया है, QR कार्ड और एक श्रम कार्ड का व्यवस्था किया गया है। जब हम QR कार्ड और श्रम कार्ड को उसको संयोग करने का एक प्रोसेस है हमारा, जब हम QR कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक करते हैं नाम चला जाता है फाइनल लिस्टिंग में, तो वो पैनल लिस्ट होता है। इस हिसाब से संगठन इसीलिए बार बार डाटा की आवाज लगा रही है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना QR कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक करावाएं। जब वो लिंक करावाएंगे तो उनका एक डाटा जो है वहां से रिफॉर्मेट होकर के श्रम मंत्रालय में जमा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जो है रेल मंत्रालय के लोग हमारा मैनिंग करेंगे, कौन से डिवीजन में, कौन से जोन में कितने श्रमिक भाई काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको जो है काम करने में सहूलत होगी। इसलिए संगठन बार बार डाटा की आवाज लगा रही है, डाटा का मीन्स हमारा QR कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक कराना है। ये नहीं कि हमने QR कार्ड ले लिया और श्रम कार्ड ले लिया घर बैठे, तो उसमें से वहां पे डाटा रेल पैनल में नहीं जाता है। वहां पे पैनल लिस्टिंग में जाने के लिए हमको QR कार्ड और श्रम कार्ड को दोनों को लिंक कराना होगा। तो संघ बोलती है कि 8 से 8.5 लाख लोगों को स्थायीकरण करें जी, तो उसमें क्या है ना, सरकार बोल रही है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सारा चीज प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट हमारा स्थायीकरण करेगी? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहाँ हर जगह जो है आवाज उठ रही है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है, देखिए स्टेशन जो है गवर्नमेंट का है, रेल ट्रैक भी गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का है, लोग गवर्नमेंट के हैं, तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट रेल प्राइवेट गाड़ियां ट्रैक पे छोड़ी जाएंगी, उस चीज को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारा तो पैसेंजर रेलवे से अलग है, पैसेंजर रेलवे एक अलग कॉर्पोरेशन है और हमारा जो है माल गोदाम जो है इसके लिए सरकार ने एक कॉर्पोरेशन बनाई हुई है, जो कॉर्पोरेशन का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कॉर्पोरेशन पर सरकार जो है 9 साल से काम कर रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन सरकार ने बनाई है केवल और केवल माल गोदाम श्रमिकों के लिए। तो इस कॉर्पोरेशन में जो काम चल रहा है 4 लाइन ट्रैक्स का काम जो पूरे पश्चिम और उत्तर दक्षिण को जोड़ चुकी है, बहुत सारे 600 नए गोदामों का भी शिलान्यास किया जा रहा है, बहुत सारे जंक्शन हाउस बनाए जा रहे हैं जहां पे जो है माल ढुलाई छोड़ने के लिए वहां पे जंक्शन हाउस भी बनाया गया है। सरकार बहुत सारी चीजों का जो है निर्माण की है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में जो है ट्रैक लाइन बिछ चुका है। और ये जो हमारा मॉडल है गुड्स का जो मॉडल है, ये मॉडल जो है पूरे विश्व में 2 जगह है, एक होता है चाइना जहां पे ऑलरेडी मॉडल है, दूसरा है भारत। भारत पे जो है अभी हमारा ये मॉडल ऑलरेडी चल रहा है, 9 साल हो गया उसका तैयारी में लगा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है करके। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक वेबसाइट है www.brmgss.org, उससे अपना जानकारी ले सकते हैं। उसमें हमारे सारे लीडरों का डाटा भी है, वो डाटा दे सकते हैं, उनसे जो है अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं सारे लीडरों को अनुरोध करता हूँ कि वो अपने मेंबर्स को सही दिशा दें। अगर वो अपने मेंबर्स जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उन तक उनका काम ना पहुंच रहा है, ना उनका
कोई भी परेशानी को वो लोग ले रहे हैं, कितनों के पास में मेंबरशिप कार्ड है, श्रम कार्ड है, फिर भी जो है उनको लिंक का प्रोसीजर मालूम नहीं, कहाँ जाए, किससे मिले, कहाँ लिंक करवाएं, उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो हमारे जितने भी छोटे बड़े लीडर्स, जितने भी BRMJSS के लीडर्स हैं जो आपको अपने आप को अधिकारी कहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे मेंबर्स तक पहुँचे, पहुँच करके उनका लिंक कराने का काम करावाएं। अगर हम सही समय पर लिंक नहीं करावाएंगे तो नवंबर क्या, दिसंबर क्या, जनवरी से मार्च तक भी हो जाएगा, हमारा शिफ्टिंग का काम नहीं हो पाएगा। हम अभी अंतिम पर्याय में है, ये भी सच है, संगठन जो है 30 सितंबर तक का एक डेडलाइन दी थी, तो उस डेडलाइन में देखा गया कि हमारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिंक नहीं करा पाए। इसलिए नहीं करा पाए कि संदेश जो है मजदूरों तक सही हिसाब से पहुँच नहीं पाया। ये जो लीडर है, लीडर अपने छाती में हाथ रखकर पूछे अपने आप से, क्या उन्होंने गोदाम पे जाके काम किया, क्या जिन लोगों को उन्होंने मेंबर बनाया था, संगठन में जोड़ा था, उन तक सही मैसेज पहुंचाया, नहीं पहुंचाया। मेरे जितने भी श्रमिक हैं उनको मैं अपना हक दिलाकर रहूंगा।